अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शकरकंदी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने 1.5 किलो शकरकंदी ली थी, उसे अच्छे से मैंने धो लिया। अब एक बर्तन लेंगे खुला, इसमें हम शकरकंदी रखेंगे। जो ज़्यादा मोटी है उसको मैं हाफ कर दूंगी ताकि वो भी अंदर तक अच्छे से पक जाए इस तरह से। तो सभी हम इस तरह रख देंगे। जो ज़्यादा लंबी थी वो भी मैंने हाफ़ कर दी है। इसमें अब हम पानी डाल देंगे। पानी हमें इतना डालना है कि बराबर हो, ज़्यादा ऊपर तक नहीं डालना, बस इतना ही हम डालेंगे। अब इसे फुल आंच पे हम पकाएंगे इस तरह से। आंच हमारी होनी चाहिए। जब पानी गर्म हो जाएगा, पकने शुरू हो जाएगा, तकरीबन 10 मिनट में ये पक जाएगी। तो ये देखें, पानी पकना शुरू हो गया। अब इसे हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम चेक करेंगे, किसी भी छुरी या कांटे की मदद से हम इसे चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से ये पक चुकी है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। तो ये ठंडी हो चुकी है। अब एक कटबोर्ड लेंगे, इसके छिलके उतारेंगे और उस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम छिलके उतारेंगे, प्लेट ले लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो मेरे पास कटिंग बोर्ड था, इसलिए मैं इस पर कट कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी प्लेट में रख के तो इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की बनती है, और अब मौसम भी है, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको पसंद होती है, बच्चों को भी, बड़ों को भी। अब इसे हम एक प्लेट में डिश आउट करते हैं। प्लेट में हमने डिश आउट कर दी है। अब चटनी के साथ और चाट मसाले के साथ इसे हम गार्निश करेंगे। ये चाट मसाला और चटनी खुबानी और इमली की है। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अब आई बटन में भी दे दूँगी, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। तो चलें इसके ऊपर डालते हैं। अगर आपको चटनी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, अगर आपको कम पसंद है तो कम डाल दें। इससे ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं चाट मसाला डालूंगी। नींबू मैंने लिया है थोड़ा सा, वो भी मैं ऊपर डाल दूंगी। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी शकरकंदी तैयार है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाके कर दें। अल्लाह हाफिज़।